नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कार्य हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। और आज हम पहुंचे हैं नजफगढ़ में, जहां इस समय आप देख सकते हैं स्वर्गीय चौधरी रामकला डबास जी जो चेयरमैन रहे हैं, उनकी आज यहां मूर्ति स्थापना की गई है यहां उनके परिवार के द्वारा। और यहां क्षेत्र के गणमान्य जन पहुँचे हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने। और धन्य है वो पुत्र जो अपने महापुरुषों की, अपने पिताओं की जीवनी को संजोकर रखते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और यही प्रयास किया है इस डबास परिवार ने, अपने पिता के दिखाए सुमार्ग पर चलने का एक प्रयास किया है। आज यहां उनकी यादों को संजोने का कार्य किया है इस मूर्ति स्थापना के द्वारा। और हमारे महापुरुष जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हर सुख दुख में उनके द्वारा किए गए कार्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और धन्य है माता पिता जो समाज में अपने पूर्वजों से प्रेरणा पाकर समाज हित के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे। ऐसी ही एक शख्सियत उनके परिवार के एक अहम सदस्य हैं, राजनीति से जुड़े रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं, युवा राजवीर डबास जी। आइए जानते हैं आज के इस आयोजन को लेकर के उनका क्या कहना है। आज जो आयोजन किया हमने अपने पिताजी चौधरी रामकला जी की मूर्ति स्थापना करके, एक जो हमारे क्षेत्र में नाम रोशन किया, उन्होंने अपने कार्य किए, समाज सेवा से वो जुड़े हुए थे, और उसी के साथ ही परिवार के साथ साथ हर क्षेत्र में उनका नाम था, चाहे वो गौशाला हो, मंदिर हो, कहीं भी सामाजिक क्षेत्र हो, कहीं धार्मिक स्थान हो, हर जगह उनका अपना वजूद था, नाम था। और मैं यही कहूँगा कि जो उन्होंने रास्ता दिखाया वो हमने अपनाया है, हम उनके ऋणी हैं और आभारी रहेंगे। और जो हमारे पिताजी के साथी रहे, हमारे ताऊ प्रताप सिंह जी लोट से, वो प्रकाश डालेंगे हमारे पिताजी की जीवनी पर थोड़ा सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका जी। और निश्चित तौर से सौभाग्यशाली हैं वो पिता जिनको इस तरह के पुत्र मिलते हैं, जो उनके दिखाए हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं समाज सेवा में। और यही आज हमें देखने को मिला है। इस डबास परिवार ने यहाँ एकत्रित किया है सभी जाति वर्ग बिरादरी के लोगों को, क्षेत्र के गणमान्य जन यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वयोवृद्ध बुजुर्ग प्रताप सिंह ठाकर हमें बताएंगे स्वर्गीय चौधरी रामकला डबास जी के जीवन के बारे में, हम जानना चाहेंगे उनके अच्छे कार्यों के बारे में, और क्या संदेश है इनका आज समाज के लिए। जी ठाकुर साहब। हेलो जी, चौधरी रामकला जी आज स्वर्गवास हैं, स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो शक्तिशाली ब्रह्मचारी साधन किए हुए, घनिष्ठ परिश्रम करते हुए, एक छोटे परिवार में जन्म लेते हुए बहुत दिग्ध दृष्टि से बहुत ऊंचे पद पर पहुँचे। उन्होंने हर जगह सम्मान, समाज में हर जगह, हर अवस्था में, हर बिरादरी में, हर जाति में सम्मान करते हुए उनका गणमान रहा और हमेशा रहेगा। आज मुझे पूर्ण विश्वास है अब उनके भाई, उनके पुत्र, उनके पौत्र इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, और दानवीर कर्ण की तरह ये परिवार फलीभूत रहेगा। और धन्यवाद करता हूँ। धन्य है वो परिवार जिसको बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, जिनकी दुआओं में बसते हैं वो पुत्र, जिनकी दुआओं में बसता है वो परिवार, परमात्मा भी उनका साथ देता है। यह एक धार्मिक आयोजन कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न लोग यहाँ पहुँचे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, और सब ने यहाँ डबास परिवार की कार्यशैली की सराहना की है। हमारे साथ धर्म सिंह गहलोत जी हैं, अनुभवी हैं, जानना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश दिया जा सकता है। रामकला डबास जी हमारे क्षेत्र के बहुत जाने माने व्यक्ति थे, और राजनीति में और जहाँ तक बात है सामाजिक धार्मिक हर मामले में आगे रहते थे, और हमने इनसे शिक्षा ली है, इन्हीं के चरणों में रह के हमने राजनीति सीखी है, और इन्होंने ही हमें बताया कैसे राजनीति करनी चाहिए, और हमने वैसे इनके कदमों पर चलते रहेंगे और चलते आए हैं। और इनके जो भी अधूरे काम जो है छोड़ के गए होंगे समाज के, इनके भाई और इनके पुत्र उनको पूरा करेंगे, हमें विश्वास है। और उनकी मूर्ति स्थापना ये हमेशा के लिए उनके याद दिलाती रहेगी, और वो हमेशा जिंदा दिखाई देंगे इस मूर्ति के माध्यम से जी। और निश्चित तौर से महापुरुषों की है मूर्ति प्रेरणा देने का काम करेगी समस्त डबास परिवार को, समस्त समाज को। हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र सिंह साथी जी के दामाद हैं, काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। हरियाणवी समाज में भाईचारे एकता को लेकर के इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं, जिससे भाईचारे परस्पर एकता का संदेश जाता है। आज आप कार्यक्रम में पहुँचे हैं, क्या संदेश है आपका? हम जब भी चौधरी साहब से मिलते थे हमें बहुत प्रेम मिलता था, बहुत उनसे प्यार मिलता था जी। और उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना
बहुत बहुत बढ़िया था कि भाई इतने सीधे विचार के, इतने सीधे मतलब कोई उनमें कोई घुमा फेर वाली कोई बात नहीं थी, जो बात थी वो सीधी कहते थे। तो जब भी हम उनसे मिले, इतना हमें उनसे प्यार मिला कि आज भी हम याद करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि उनको हमेशा हमारे बीच में रहना चाहिए था, हम उनको, वो चले गए तो हमें ये लगता है कि भी हमने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन ये मूर्ति स्थापना करके आज जब भी हम उनकी मूर्ति को देखेंगे तो वो हमेशा हमें वो याद आते रहेंगे। जी धन्यवाद। जी निश्चित तौर से आज यहाँ प्रेरणा मिल रही है उन सभी लोगों को जो समाज सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ रूप से। और ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने एक लंबा जीवन देखा है, राजनीतिक जीवन देखा है, सामाजिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं। और निश्चित तौर से इस तरह के महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है उन सभी समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों को जो इनकी भांति समाज सेवा करना चाहते हैं, एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जुड़ना चाहते हैं। बाबू जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या विचार है? मैं प्रेम सहरावत प्रधान रंगपुरी से, मैं उनके आदर्शों से, उनके कार्य से मैं बहुत प्रभावित था, क्योंकि उनमें शुरू में राजनीति उससे जुड़े रहे, वे गांव के प्रधान बने। हमारे टर्नओवर में मैं भी 83 में छोटी सी उम्र में गांव का प्रधान बना, तो वे नजफगढ़ यहाँ के जौन के चेयरमैन बने। तो मैं उनके तभी से मेरा उनका विशेष तौर पर आना जाना एक रिश्ता सा जुड़ गया था। तो वे एक राजनीति के साथ साथ एक वे सामाजिक संस्थाओं से भी हमेशा जुड़े रहते थे। जैसे उन्होंने राजनीति में बड़ी बुलंदियाँ ली, यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़ा, वे हमारे जिले के अध्यक्ष भी रहे और प्रदेश तक के नेता रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं थी, जैसे हमारे क्षेत्रीय चाहे गौशाला हो, चाहे धार्मिक और संस्था हो, चाहे हमारी सूरजमल संस्था हुए हों, जितनी हमारी संस्थाएँ थी सबके वे अग्नि रहते थे और समाज में एक सुधारक के रूप में वे प्रेरणा देते थे। आज उनकी कमी हमें बड़ी खल रही है, भगवान उनकी आत्मा की शांति दे। हम उनके जैसे भाई राजवीर जी हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। हम आशा करते हैं राजवीर जी जो उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे, इन परिवार को खूब सुख शांति और भगवान खूब शुभ लाभ दे। और इन्होंने मूर्ति स्थापना करके साक्षात उनकी याद हमें दिला दी है। हम हमेशा यहाँ आते रहेंगे, उनकी प्रेरणा लेते रहेंगे। धन्यवाद जी। और निश्चित तौर से इस तरह के आयोजनों से, कार्यक्रमों से समाज में एक संदेश जाता है। वो संदेश है समाज सेवा में आगे बढ़कर के हर उस व्यक्ति की आर्थिक मदद करना, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी मदद और सेवा पहुंचाना। यही कहावत चरितार्थ की है। आज डबास परिवार ने यहाँ अपने पिता की मूर्ति को स्थापित करके एक संदेश दिया है समाज में कि वो समाज के लिए अपने पिता के जाने के बाद हमेशा उपलब्ध रहेंगे, समाज कार्यों के लिए यह पूरा परिवार समर्पित रहेगा। जी क्या कहना है? चौधरी रामकला जी हमारे क्षेत्र के जाने माने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। वो दिल्ली में ही नहीं लेकिन दिल्ली के आसपास के गांवों में भी उन्हें सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक तौर पर बहुत अच्छे तरह से जाना जाता है। आज उनकी इस क्षेत्र को, उनके परिवार को और इस क्षेत्र को तो कमी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत कमी हुई है। वो कांग्रेस पार्टी में बहुत उच्च पदों पर रहे और मुझे भी बहुत सौभाग्य मिला। मैं बहुत सौभाग्य गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ कि चौधरी रामकला जी जब हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मुझे उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। और आज जैसा हमारे साथी जगमोहन जी ने कहा कि आज उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मैं उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने उनकी मूर्ति स्थापना करके जो उनके संस्कारों को हमेशा के लिए जिंदा रखा है, वो हमारे बीच में मूर्ति जो स्थापित हुई है हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद जी। और निश्चित तौर से आज यहाँ जुड़ना चाहेंगे हमारे साथ, जानना चाहेंगे उनके क्या विचार है। सर बताइए। मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, MCD में मैं हूँ जी। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज इस कलयुग में भी ऐसे महान सपूत हैं जो अपनी इतनी महान शक्ति को भी आज याद कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बाइट भी इसलिए देना चाहता था क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, MCD से जुड़े हुए थे और इतने सादगी परिवार में, राजवीर जी भी इस क्षेत्र में थे तो उन्होंने इतने सादगी के तरीके से उस चीज़ को चलाया और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इसे देखकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। निश्चित तौर से प्रेरणा मिलेगी, इस परिवार को आगे बढ़ने की सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करेगी। यह जो रामकला डबास जी की आज प्रतिमा है, यह इस परिवार को जागरूक करती रहेगी, अपने अधूरे छोड़े गए कार्यों को, अपने सपनों को समाज हित में पूरा करने की प्रेरणा देती रहेगी इस परिवार को। जी आज के इस आयोजन को लेकर के क्या कहना है आपका? अंकल चेयरमैन साहब, हमारे क्षेत्र के
विशेष व्यक्तित्व वाले इंसान थे और हम ये मानते हैं कि आज भी हमारे बीच में ये विद्यमान हैं, हमारी ऐसी सोच है। जितने भी एक आदर्श व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं वो हमारे अंकल चेयरमैन साहब के अंदर थे और उन्हीं का ट्रांसफ़र इन्होंने अपने संतान को और परिवार को दिया। इससे बड़ा जो उन्होंने कार्य किया है बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। जय हिंद। और आज यहाँ समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा एक दुआ दी जा रही है इस परिवार को, इस परिवार के संस्कार, इस परिवार के गुण जो स्वर्गीय चौधरी रामकला डबास जी से पहुँचे हैं, समस्त डबास परिवार में यहाँ समाज से एक उम्मीद जताई जा रही है इस परिवार के द्वारा। इस परिवार से एक उम्मीद है समाज को कि ये इसी तरह स्वर्गीय रामकला डबास जी की तरह बिना भेदभाव किए समाज हित के कार्य निरंतर करते रहेंगे। कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।